हेलो एवरीवन, सो इस वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं ईयरबड पेंटिंग। ईयरबड पेंटिंग बनाने के लिए हम लोग पोस्टर कलर्स यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि मैं ड्राइंग शीट यूज़ कर रही हूँ A4 साइज़ की। अगर आप इसको कैनवस पे बनाते हो तो आप एक्रेलिक कलर्स यूज़ कर सकते हो, अगर आप फैब्रिक पे बना रहे हो तो फैब्रिक कलर्स यूज़ कर सकते हो। पोस्टर कलर्स में मैं ये तीन डिफरेंट ग्रीन के टोन्स ले रही हूँ, एक लाइट ग्रीन है, वन इज़ ऑलिव ग्रीन एंड वन इज़ पोस्टर ग्रीन। तो तीन कलर्स ये हैं, एक डार्क ब्राउन कलर विच इज़ बर्नट अम्बर एंड अ पिंक शेड। पिंक की जगह आप कोई भी रेड या ऑरेंज भी ले सकते हो। साथ में आपको चाहिए कुछ ईयरबड्स। ईयरबड्स को आपको बांधने के लिए रबर बैंड यूज़ कर सकते हो या फिर आप टेप यूज़ कर सकते हो। सो सबसे पहले हम लोग कलर्स को पैलेट पे निकाल लेंगे। मैं इस ट्रे में निकाल रही हूँ क्योंकि हम ईयरबड की हेल्प से कलर्स को उसके ऊपर लगाने वाले हैं। एंड आपको पेंट ब्रश भी चाहिए क्योंकि हम इसमें एक ट्री बनाने वाले हैं, बेसिक ट्री बना के उसकी लीव्स वगैरह के लिए हम लोग ईयरबड टेक्निक यूज करेंगे। सो सबसे पहले हम ट्री बनाएंगे, उसके लिए मैं यूज कर रही हूँ ये डार्क ब्राउन कलर एंड ये फ्लैट ब्रश। तो इससे हम लोग एक ट्री बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आप बहुत कंफर्टेबल नहीं हो डायरेक्टली बनाने से तो आप इस केस के अंदर पहले पेंसिल से ड्रॉ कर सकते हो एंड देन यू कैन स्टार्ट ड्रॉइंग इट विद द हेल्प ऑफ योर पेंट और स्टार्ट फिलिंग इट विद द पेंट। इस तरीके से बनाने के बाद में इसके ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अच्छे से ब्रांचेस बनाओ। तरीके से हम ब्रांचेस बना रहे हैं। आप कलर्स अपने अकॉर्डिंग लाइट डार्क या कुछ चेंज करना चाहो तो यू कैन डू दैट। एंड फ्लैट ब्रश या राउंड ब्रश, दैट इज योर चॉइस। आप जिसको ज्यादा प्रेफर करते हैं, जिसमें आपसे इजीली बन जाता है। बट ट्री को रियलिस्टिक लगने के लिए इसकी ब्रांचेस प्रॉपर तरीके से बनी हुई होनी चाहिए, नीचे की तरफ से ज्यादा थिक और ऊपर जैसे जैसे जाएंगी वैसे वैसे पॉइंटेड। ये आप देख सकते हो मैंने सब में जहाँ पे एंड में आते आते थोड़ा सा पॉइंटेड कर दिया है उसको। इसके ऊपर एक बार हम लोग सेकेंड कोट वापस करेंगे जब हम कंप्लीट कर लेंगे। तो ये एक बेसिक आउटलाइनिंग है हमारे लिए। बिल्कुल स्ट्रेट नहीं बनाना है, थोड़ा कर्व्स के साथ, जिस तरह से एक्चुअल ब्रांचेस होती हैं। ये मैंने आगे भी स्प्लिट कर दी है ब्रांचेस। अब नीचे से हम लोग हमारी ट्रंक को पेंट करेंगे। ट्रंक में भी थोड़ा डार्क एंड लाइट का शेड लाएंगे ताकि वो रियलिस्टिक लगे रादर देन जस्ट द सेम शेड। आप देख सकते हो जब मैं बना भी रही हूं तो मैं इसमें स्ट्रोक्स ऐड कर रही हूं, क्योंकि जब ड्राई होगा तो ये स्ट्रोक्स विजिबल होंगे लाइट डार्क के। अरे नीचे से हम कंप्लीटली फिल कर लेंगे।
अभी प्रॉपर स्ट्रोक्स ऐड करने के बाद में पहले इसको कम्प्लीटली कवर कर लेंगे। When it is properly well painted, इसके बाद में यहाँ जो बीच में लाइट डार्क के साथ साथ कहीं कहीं इस तरीके से सेम कलर में सिर्फ कुछ सर्कुलर स्ट्रोक्स देंगे, जस्ट वो एक ट्रंक पे जो राउंड रिंग्स का फील होता है उसके लिए। एंड ये अब हमने ऊपर थोड़ा सा इसको थिक करना है ब्रांचेस को, ताकि वो एकदम से ऐसे नहीं लगे ऑड, और ऊपर जाती जाती वो थिन होंगी। नाउ अ ट्री इज रेडी, अब हम इसके ऊपर ईयरबड पेंटिंग स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट हम हमारे ईयरबड्स को रेडी करेंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे, 6-7 जितने भी ईयरबड्स आपको लेने हैं, आपको अगर ज़्यादा मोटे ज़्यादा थिक बनाना है तो आप ज़्यादा ले सकते हो, इनको एक लेवल पे लेके आएंगे सबसे पहले। एंड उसके बाद में या तो आप इनको टेप कर सकते हो या फिर आप इनको रबर बैंड की हेल्प से सिक्योर कर सकते हो। तो पहले फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इसके इक्वल होने चाहिए, नहीं तो ईयरबड्स का प्रिंट नहीं आएगा। तो उसको करने के लिए सबसे ईजी तरीका ये भी है, इस तरीके से आप स्ट्रेट लाइन में अलाइन कर लो पहले, एंड देन इस पे टेप लगा के इसको राउंड कर दो। ये हमने टेप ली एंड फर्दर इसको अच्छे से रोटेट कर देंगे। जस्ट लाइक दिस। एंड नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे इसके ऊपर प्रॉपरली पेंट करना। ये मैंने इस तरीके से इसका पंच बना लिया है। नाउ यूजिंग वेरियस शेड्स ऑफ ग्रीन, सबसे पहले आप ये देख सकते हो मैंने तीनों शेड्स ले लिए हैं ग्रीन के, इसके ऊपर डैब करेंगे। डैब करते टाइम ध्यान रखना है बहुत ओवर प्रेशर नहीं होना चाहिए और बहुत कम प्रेशर भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल जस्ट टच करके एंड उठाना है। अगर बहुत ज्यादा प्रेशर लगाओगे तो आपके वो जो डॉट्स हैं वो विजिबल ही नहीं होंगे, कलर स्प्रेड हो जाएगा, और बहुत कम लगाओगे तो प्रॉपरली डॉट का इम्प्रिंट नहीं आएगा। सबसे पहले मैं डार्केस्ट शेड ले रही हूँ जो है हमारा पोस्टर ग्रीन। अगर आप पहले लाइट शेड ले लोगे तो उसके बाद में डार्क करोगे डार्क ज़्यादा विजिबल रहेगा, इसलिए हमेशा स्टार्ट विद डार्क कलर। एंड ये ब्रांचेस के आसपास प्रॉपरली हम इस तरह से इसके डैब्स लगाना शुरू करेंगे। ब्रांचेस ऑफकोर्स कवर होंगी बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, कवर होने देंगे हम इसको। आप देख सकते हो प्रेशर में बहुत ओवर भी नहीं लगा रही हूँ और बहुत कम भी नहीं लगा रही हूँ। एंड सेम वे वाटर आपके जो कलर में है वो बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए इसमें, नहीं तो कलर स्प्रेड हो जाता है। अभी बीच में जो स्पेसेस है ये खाली नहीं रहेंगी, क्योंकि ट्री में आपने कभी ऐसा तो नहीं देखा सिर्फ ब्रांचेस पे लीव्स दिख रही हैं और बीच में खाली स्पेसेस दिख रही हैं। तो बिल्कुल उसी तरीके से इसको रियलिस्टिक बनाएंगे हम लोग। तो ये जो बीच की स्पेसेस हैं इसमें भी हम लोग कलर अप्लाई करेंगे। इस तरीके से मैंने फर्स्ट कलर अप्लाई कर लिया है। नाउ अगेन यूजिंग द सेम ईयरबड्स मैं दूसरा कलर ले रही हूं एंड इसी के बीच बीच में उसको डैप करना स्टार्ट करूंगी। अब वो धीरे धीरे आपके बिल्कुल जो स्पार्क राउंड्स दिख रहे थे वो मर्ज होने शुरू हो जाएंगे। एंड कलर जब तक बिल्कुल खत्म नहीं होता तब तक पूरे अच्छे से आपको इस तरह से डॉटिंग करनी है, ताकि वो हल्का हल्का जो ट्रांसपेरेंट सा लुक आ रहा है कहीं कहीं पे आप देख सकते हो कम कलर की वजह से ये आना चाहिए।
एंड फाइनली द थर्ड कलर, उसको भी अच्छे से मैं इसी के ऊपर डार्क करूंगी। हल्का सा स्विफ्ट मूवमेंट आप इस तरीके से जब उसको डैप करके नीचे की तरफ खींचोगे तो उससे ये फॉलिंग लीव्स का इम्पैक्ट आता है। अब इसको इतना बनाने के बाद में फाइनल टचेस के लिए मैं सारे कलर्स को ही एक बार पिक करना स्टार्ट करूंगी एंड कहीं कहीं पे और डैप कर दूंगी। इसको और डेंस अगर आप करना चाहते हो तो आप और डेंस भी कर सकते हो। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सिंगल ईयरबड लेंगे एंड उसके ऊपर मैं पिंक कलर ले रही हूँ जस्ट टू शो दैट फ्लावर या फ्रूट इफेक्ट, और बीच बीच में कहीं कहीं पे वो पिंक कलर डैप कर दूंगी। स्पेसिफिकली ब्रांचेस के आसपास थोड़ा सा इस तरह से कहीं दूर दूर नीचे गिरते हुए भी, सेम वे विद अदर कलर्स। बीच बीच में कहीं कहीं बची जगह पे भी डैप कर रही हूं मैं। आप चाहो तो नीचे की तरफ पूरा इसको ऐसे स्प्रेड भी कर सकते हो टू जस्ट शो, बट मैं इसको सिर्फ इतना ही रख रही हूं। अगर आपको बीच में कहीं लगे बहुत ज्यादा कम फील्ड है तो आप वहां पे वापस से भी डैप कर सकते हो। बहुत लाइटली मैं यहाँ पे इसको डैप कर रही हूँ। So ये हमारा एक फॉलिंग लीव्स का ट्री ईयरबड पेंटिंग से रेडी हो गया है। ये हमारी पेंटिंग कंप्लीट हो चुकी है, बट जस्ट थोड़ा सा अगर आप इसका लुक और इन्हांस करना चाहते हो तो जो इन ब्रांचेस के ऊपर ये हमारे आप देख सकते हो ग्रीन कलर आ चुका है, इसको वापस से हम लोग हाईलाइट कर देंगे तो ये बहुत सुंदर लगेगा। एंड आप देखोगे कि सिर्फ इतना सा करने से ही पूरी पेंटिंग का लुक चेंज हो जाएगा।